अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। और इस वक्त जो मैं आपको स्टोरी दिखाने वाला हूँ, जिस जगह मैं पहुँचा हूँ, बहुत ही अनोखी है। दुनिया की वाहिद ऐसी रेलवे आपको ट्रैक दिखाने जा रहा हूँ जो जिस पर कभी कोई ट्रेन नहीं चली, बल्कि दुनिया की वाहिद और अनोखी घोड़ा ट्रेन थी जिस ट्रेन को घोड़े चलाया करते थे। आज मैं उस जगह पहुँचा हूँ और ये है गंगापुर गाँव, जो कि जड़ावाला का नवाही गाँव है। और वो ट्रैक हम देखेंगे जिस ट्रैक के ऊपर वो घोड़ा गाड़ी चला करती थी, वो घोड़े खींचा करती थी। और तकरीबन आज से 115-16 साल पहले ही वो ट्रैक बंद हो चुका है, इसके बाद 2009 में भी शुरू हुआ था। तो क्या है स्टोरी, कौन सी ट्रेन है जो घोड़े खींचा करते थे, आज उसी पे बात करेंगे। दिखाता हूँ आज आपको घोड़ा ट्रेन। और ये है वो रेलवे ट्रैक, दुनिया का अजीबोगरीब रेलवे ट्रैक, जो कि अब जिसकी बाकियात रह गई हैं, जगह जगह से ये ख़त्म हो चुका है। इसी ट्रैक के ऊपर जो है घोड़ा ट्रेन चला करती थी। और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये ट्रैक क्यों बनाया गया था। ये सर गंगाराम, जो कि बहुत माहिर और बड़े मशहूर सिविल इंजीनियर थे, जिन्होंने लाहौर को मॉडर्न शक्ल दी और कई इमारतें जो है लाहौर में तामीर की हैं, उन्हीं की ये उन्हीं का शाहकार था जो उन्होंने बनाया था। उसकी वजह ये थी कि जो गंगापुर गांव है उसको उन्होंने पानी फराहम करने के लिए एक वाटर पम्प मंगाया था, वाटर मशीन थी पानी खींचने की। तो वो ट्रेन के ज़रिए जब मंगाई गई, उसको गांव तक ले जाने के लिए जो है कोई सवारी नहीं थी ऐसी कि वो इतनी भारी मशीन को ले जा सके, तो उसके लिए सर गंगाराम ने ये रेलवे ट्रैक बिछाया था और इसको इसके ऊपर ही वो मशीन घोड़ा ट्रेन के ज़रिए लाए थे अपने गाँव तक, जो गंगापुर गाँव है। तकरीबन ये कहते हैं कि 2 किलोमीटर तवील जो है ये रेलवे ट्रैक बिछाया गया था और बुचियाना से गंगापुर गांव तक के लिए। और उसके बाद उसके वो लोग भी जो वहाँ के मुकामी लोग थे वो भी इस पर सफ़र किया करते थे। तो आज इसी को एक्सप्लोर करेंगे। और इसका एक स्टेशन भी था ख़ास, जहाँ से ये ट्रेन शुरू होती थी, घोड़े कैसे बनते थे, ब्रेक कैसे लगती थी, ये सारी मालूमात दूंगा आज आपको इस वीडियो के अंदर। ये है जी जड़ावाला का नवाही गाँव गंगापुर। ये रेलवे स्टेशन गंगापुर का घोड़ा ट्रेन का रेलवे स्टेशन होता था और सामने ही एक छोटा घंटाघर भी बनाया हुआ है। और ये इस तरह का कुछ रेलवे स्टेशन था। यहाँ पे अभी बुज़ुर्ग बैठे हैं बाहर हुक्का पी रहे हैं। और अब तो खैर बड़ा डेवलप हो गया है, पहले गाँव सा था लेकिन अब रोड्स बन गई हैं, घर पक्के बन गए हैं। और जी मैं पहुँच चुका हूँ उस स्टेशन पर गंगापुर में, जहाँ पर वो घोड़ा ट्रेन का मेन स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से बुचियाना मंडी तक जो है ना ये ट्रेन चलती थी। और आइए आपको दिखाता हूँ स्टेशन की हालत और वो ट्रेन कैसी थी, उसकी अभी भी जो बाकियात हैं, अगर बोगियाँ खाऊँगा तो गलत नहीं होगा, वो अभी भी मौजूद हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। अब जो है ना ये जो ट्रेन की जो जिस पे सफ़र किया जाता था वो ये था, इसके ऊपर जो ना लोग बैठ के सफ़र करते थे। ये ट्रेन थी घोड़ा ट्रेन, इसको कहा जाता था दुनिया की अजीब व गरीब और पहली वाहिद, दुनिया की वाहिद ऐसी ट्रेन थी जो घोड़ों से चलती थी। तो ये देखें जी, ये इसके टायर थे और टायर क्या कहेंगे, जो व्हील होते हैं ये इसके व्हील हैं, ये देख रहे हैं व्हील लगे हुए हैं, ये बिल्कुल जैसे ट्रेन में होते हैं। और ये इसका ट्रैक है, ये चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया भी अभी। और ये इस पर इस तरीके से बैठ के ना लोग सफ़र करते थे घोड़ा ट्रेन। दुनिया में ऐसी कोई ट्रेन अभी तक तो मैंने नहीं सुनी ना देखी है। ये देखें, ये इसका ये ट्रैक है, ये देखें ये कचरे के अंदर छुप गया, ये ट्रैक है इसका। इसी ट्रैक पर जो ना ये इधर घोड़ा बांधा होता था, इसके आगे यहाँ पे घोड़ा बांधा करते थे और इसी घोड़े को फिर घोड़ा खींच के लेके जाता था इस ट्रेन को क्या कहते हैं आगे। तो ये बड़ी एक मुनफरिद, अपने आप में बड़ी मुनफरिद थी। और ये गंगापुर में जो जड़ावाला का नवाही जो गांव है गंगापुर, ये उसमें ये जो ना ये स्टेशन है, ये इसका स्टेशन था। ये देखें स्टेशन की, जैसे स्टेशन बनते हैं उस तरह का ही उन्होंने इसको तस्वीर दी है, स्टेशन को बनाया है। तो ये पूरा ये देखें उसी दौर का बना हुआ ही है जो सर गंगाराम ने बनाया था। अच्छा जी, ये ट्रेन भी चलाया करते थे और अभी मैं पूछता हूँ कि कैसे चलती थी और इसका ब्रेक वगैरह सिस्टम क्या था, कि आगे घोड़े बंदे ब्रेक भी लग रही है। अच्छा क्या सिस्टम था, क्या था चलाते थे, तो कहाँ ब्रेक होती थी इसकी? देखो सर जी, जो घोड़ा पै गया बिच, हाँ 30 सवारियां तिना फटिया ते बैंदे, 30 सवारियां, हाँ जी अच्छा फटिया ते, जदों ये तुर पैनी है ना, हां हां इनु पहलो इथे हुंदी है, अच्छा टैट हो गया, ये टैट हो गया, हां जी, जदों इनु घोड़े ने टोरना फिर इनु ऐसे कर देना चल। अच्छा ये
मतलब ये चलता था हाँ। और ऐसे ब्रेक लग जाती हाँ, थी पूरी, पूरी ब्रेक हाँ, अच्छा जाम हो जाता थी। अच्छा जाम हो जाता था हाँ, मुर्गे ने तुरे खलोड़ा तुर नहीं सकना सारियां काटा तो ने इथे बह जाना इथा इदा बह के तोरनी। अच्छा इदा बह के तोरनी जाम मतलब ओने देखया भी हुन सवारियां पूरियां हो गया फिर ओने इथे हाथ पालना एक हाथ च रासा। अच्छा अच्छा रंज तोरी जानी। अच्छा 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 एदे नाल फिर अगले पासे जिथे पिंड सीगा हां हां इथे उस्ताद जी छप्पड़ सी। अच्छा 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 छप्पड़ बहुत लम्मा से जिथो पिंड मुकदा तो रास्ते में भी कहीं कोई स्टेशन बना हुआ था पहले रुकते थे कहीं स्टेशन ओहो ही बनया हुआ जेड़ा बच्चे एक ही है बुचियाना में पहलो ए बाद च बनया पहलो जिथे स्टेशन दियां पौड़ियां ने ओथे तक ट्राली जांदी अच्छा ओथे तक जाती थी हां असी देखी है। अच्छा 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 ए बाद च बनया आन के प्लेटफार्म ए बाद में बनाया। चले जी ये देखा आपने बड़े साहब ने बताया कि इस तरह ये ट्रेन चलती थी और तख्ती भी लगी है और देख पा रहे हो तख्ती तक की और ये तख्ती भी लगी है इसको जो है इसका दोबारा इफ्तिताह हुआ है सैयद इकबाल वाहेला साहब ने किया है 4 अगस्त 2009 को इसको इसका दोबारा इफ्तिताह हुआ था ये लगी है लेकिन ये फिर से जो ना ट्रेन बंद कर दी गई। और ये देखें घोड़े की ये तस्वीर भी बनी है आपको नज़र आ रही होगी ये तस्वीर ये घोड़े की तस्वीर है जिस तरह से चलती थी। अच्छा ये तीन एक साथ लगते थे तीन बोगियां जांदियां तीन बोगियां बहुत ही सवारी पे जाए तो फिर चार भी ला देंदे। अच्छा चार भी लगा देते तो घोड़ा ये 12 फटे सी। अच्छा घोड़ा चला सकता था इतने हाँ, लोगों को लेकर हाँ 30 सवारियां देते बह के ना घोड़े का जोर नहीं सी उस्ताद जी लगता जो रेड़ पैंदी सी ना बस चल इन्नी लैन सी जेड़ी हुण बनाई सी वो कार्डर दी लैन सी इहदे नाल दी। अच्छा 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 कामयाब नहीं लैन हुई कामयाब नहीं हुई वो जेड़ी पहली लैन ना आवे थल्ले हां ये पुरानी है हां ये कामयाब सी लैन। अच्छा अच्छा वो नहीं कामयाब आ जड़िया इतने कुंडियां पैंदियां ने आ कुंडियां दोवां दे विच इन्हां दे नाल फिर लम्मा संगल हुंदा। अच्छा 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 संगल दे विच घोड़े नूं सीने बंद पा के ना एदा घोड़ा उत्थे चले जांदा अगे। अच्छा 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 हां फिर इत्थे बंदे ने कुंडियां ते कुंडा लगा। अच्छा ये कुंडे इसमें लगे हुए हां ते कुंडा लगा अगर एदी बोगी लाउणी है ते अगे ला ये कुंडा लगा हुआ इसका लगाते थे हां ये कुंडा अगे लगा हुआ इहदे विच संगल पा देना ओ मतलब अगलियां बोगियां जिहड़ियां इधर लाउणियां ओ अगे लग जांदियां आगे लग जांदियां। और गंगापुर में मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ सर गंगाराम की हवेली जो यहाँ मौजूद है जहाँ पे वो रहा करते थे गंगाराम। आइए चलते हैं अंदर और मैंने परमिशन ले ली अंदर से और अंदर से आपको दिखाता हूँ हवेली इस तरह की थी। ये देखें ये अंदर का है बड़ी ज़बरदस्त हवेली है और अंदर बाग वगैरह भी बना हुआ है और ये बड़ी पुरानी इमारत है। अस्सलाम वालेकुम जनाब खैरियत से हैं। अच्छा ये हवेली कितनी पुरानी है सर गंगाराम की जो है 100 साल से ऊपर ही है 100 साल से ऊपर की है तो यहाँ पे कोई पुरानी उनकी यादें या कोई पुरानी है बिल्डिंग यही है। बिल्डिंग है मतलब पुरानी यहाँ पे वो रहा करते थे इस जगह पे उनकी रिहाइश थी अपनी। तो अंदर जा सकते हैं अगर कोई इजाज़त हो आपकी तो हाँ जी आए जी आपको अंदर मेहरबानी अंदर से आपको दिखाते हैं जी हवेली ये सर गंगाराम की हवेली है। और अभी ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट के पास है अभी नहीं नहीं अच्छा तो अच्छा 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 मलकियत है। अच्छा 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 ये जी कोई बात नहीं हाँ नहीं नहीं अच्छा अच्छा ये जी देखें ये हवेली थी और अभी भी आज तक ये कायम है अपनी असली हालत के अंदर ही है सब कुछ। ये देखें उस दौर में बाग हुआ करता था ये और ये बाग अभी भी वैसे ही है और ये कमरे थे इस तरह सर गंगाराम की हवेली के साथ साथ ही मैंने कहा चलें ये भी हम दिखाएं। अच्छा उधर ही है ठीक है ये सारा जो है ना अभी भी इन्होंने असली हालत में इसको रखा है हालांकि अभी ये तीन कमरे हैं। ये हाल है अच्छा ये दो कमरे हैं ये दो कमरे हैं। अच्छा अच्छा मतलब यही पुराना एक इमारत बनी है बाद की बाद में। अच्छा अच्छा जी ये है गंगाराम की हवेली मैंने कहा चलें आपको दिखा दूँ साथ साथ यहाँ पे इस हवेली में जो रहा करते थे और अभी भी इसको अपनी असली हालत के अंदर हालांकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन उन्होंने इसको अभी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।